मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश, एफर्ट, इसी में सब कुछ है। आज इसी पर बात करते हैं कि एफर्ट्स का कितना बड़ा खेल होता है लाइफ में। बिना एफर्ट्स के लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। चलने से लेकर सांस लेने तक बिना एफर्ट लगाए, बिना कोई श्रम किए, कोशिश या प्रयास किए बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। इमेजिन करो कि एक ऐसा समय जब इंसान आदिमानव से मानव रूप में आया था, उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। ना तो वो कुछ जानता था और ना ही कोई किताबें थी कि पढ़कर समझ जाए। पर फिर इंसान ने शुरू किया एफर्ट करना। सब प्रयास में बहुत ताकत होती है, और देखो आज इंसान कहाँ पहुँच गया, क्या क्या बना लिया और किस तरह से जीवन को जीना शुरू कर दिया। प्रयास से जीवन कितना बदल सकता है, इसके एग्जाम्पल आपके आसपास भी होंगे। आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रयास से इंसान कितना बदलता है। पर ज़रूरत है, नीड है तो उस कोशिश को करने की। दो इंसान जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, अचानक दोस्त बन जाते हैं। पर यह सब ऐसे नहीं होता है, असल में इसमें एफर्ट्स लगते हैं। तो सोचना कि अगर दो लोग आपस में दोस्ती करना चाहते हैं तो उन्हें एफर्ट्स लगाना पड़ता है। फिर ये तो लाइफ है, जहाँ तुम बहुत कुछ पाना चाह रहे हो तो इसमें तो बहुत सारा एफर्ट लगेगा। नींद आएगी, आलस रहेगा, काम करते करते पढ़ते पढ़ते लगेगा कि अब आज बहुत हो गया। पर असल में तुम्हें यह सब भुलाकर, अपनी इन छोटी छोटी दिक्कतों को साइड करके तुम्हें अपने उस बड़े लक्ष्य को पाना होगा, लड़ना होगा। टेक द स्टेयर्स के ऑथर रोरी वेडन कहते हैं कि सफलता कभी भी किसी की नहीं होती, ये केवल किराए पर ली जाती है और किराया हर दिन देना पड़ता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपके पास आए तो उसके लिए रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी होगी। लेकिन एक बार सफलता मिलने के बाद भी आपको रोज़ उस सफलता को बनाए रखने के लिए लड़ना होगा। आराम कभी नहीं होता, जीने का तरीका बदल जाता है बस, रिसोर्सेस बदल जाते हैं बस, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। हर रोज़ लड़ना, कल से बेहतर बनने और करने के लिए लड़ना। और जिस दिन आपने लड़ना छोड़ा, आप गिर जाओगे, फेल हो जाओगे और बाहर हो जाओगे। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग थोड़े समय के लिए प्रयास करते हैं और जब उनका प्रयास तुरंत फल नहीं देता, रिजल्ट नहीं मिलता, तो वे परेशान हो जाते हैं। और फिर वो सबसे बुरी चीज़ करते हैं जो है कि प्रयास ना करना, वो मेहनत करना ही बंद कर देता है, उस काम में, उस सब्जेक्ट में एफर्ट लगाना ही बंद कर देता है। अब समझना दोस्त, ये एक रिलेशनशिप की तरह होता है, वन साइडेड चलता ही नहीं है। एक तरफा इश्क हो तो अलग बात है, अदरवाइज तुम्हें लगातार एफर्ट लगाते रहना होगा। और जिस दिन भी तुमने एफर्ट लगाना बंद किया, तो समझो कि तुम्हारा ब्रेकअप होना तय है। शादी हो चुकी होगी तो डाइवोर्स होना तय है। यानी कि सारा खेल आपके एफर्ट्स का है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है, वो कुछ दिन एफर्ट्स लगाते हैं, फिर जब उन्हें वो चीज़ें, वो सवाल समझ में नहीं आते तो वो एफर्ट लगाना ही बंद कर देते हैं। और जिस दिन वो उस सब्जेक्ट में एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं, उसी दिन से वो सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो या कोई भी हो, आपको समझ आना बंद हो जाएगा। फिर वो आपके लिए एक बहुत ही कठिन चीज़ बनेगी, जिसे आपका छू पाना भी मुश्किल होगा। तो लाइफ में एफर्ट्स को रिलेशनशिप की तरह समझो, अगर एफर्ट नहीं लगाया तो सब चले जाएंगे, अगर मेहनत नहीं की, अपनी जीत तक उस काम में नहीं लगे रहे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम उस काम में एक पत्ता भी हिला पाओ। उस काम में चैंपियन बनने के लिए, कुछ उखाड़ने के लिए, तुम्हें अंत तक उसमें एफर्ट्स लगाने होंगे। बास्केटबॉल के चैंपियन माइकल जॉर्डन कहते हैं कि प्रयास डर को ख़त्म कर देता है। प्रयास करने से हमें पता चलता है कि हम क्या करने में सक्षम हैं और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास हमें सिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम लगातार प्रयास करने के लिए समय निकालते हैं ना, तो हम नई योग्यताएं सीखते हैं। अंत में बस एक बात याद रखना, धोनी अगर अपने घर से निकलने की कोशिश नहीं करते, अपने गेम पर, अपनी स्किल पर एफर्ट नहीं लगाते, तो आज वो ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं कहलाते। AR रहमान ने अगर अपने म्यूजिक पर काम नहीं किया होता, एफर्ट नहीं लगाए होते, तो देश विदेश में आज उनका नाम नहीं होता। और कलाम साहब ने अगर उस गरीबी में रहकर बाहर निकलने की कोशिश ना की होती, कुछ बड़ा सोच कर और उसे करने के लिए एफर्ट ना लगाए होते, तो देश को ऐसा हीरा नहीं मिलता। एफर्ट में बहुत ताकत है, पर उस ताकत को पहचानने के लिए तुम्हें अंत तक लड़ना होगा दोस्त। वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। बी हैप्पी, बी कूल, बाय।